अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपके एस्ट्रो फ्रेंड के इस यूट्यूब चैनल में। और मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड रूपेनाश शाह। कई मैसेजेस ऐसे आए हैं, अभी तो लोकसभा की सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू हो चुका है, तो अमेठी की वो हाई प्रोफाइल सीट पर राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच जंग होगा। पिछली बार भी यही जंग हुआ था, बहुत ही कांटे की टक्कर रही थी। कई राउंड्स तक स्मृति ईरानी राहुल गांधी को पीछे छोड़ के आगे चल रही थी, लेकिन फाइनल रिजल्ट्स आते आते कुछ ही अंतर से लेकिन राहुल गांधी वो सीट जीत गए थे। इस बार क्या होगा? देखिए, आप जब प्रिडिक्शन मांग रहे हो, हम आपकी डिमांड पे ये कर रहे हैं। राहुल गांधी की कुंडली में हम कहीं से भी ये नहीं देख रहे हैं कि वो कभी भी देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे। उनकी तुलना में उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा की कुंडली राजनीतिक हिसाब से कहीं ज़्यादा बेहतर है, तो उनकी राजनीति में प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटीज़ कई ज़्यादा रहेंगी राहुल गांधी के हिसाब से। लेकिन राहुल गांधी अपनी अमेठी की परंपरागत सीट को जीत पाएँ, वैसी तो मजबूत कुंडली उनकी है ही, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और शनि की 7:30 चल रही है, तो वो जाते जाते शनिदेव उनको कुछ प्रदान करके ही जाएंगे, ऐसा सामान्य सा पहला प्रेडिक्शन होगा। लेकिन क्योंकि इस बार शनि और केतु का संयोग है, जब भी राहु का ट्रांजिट हो गया तो शनि केतु का संयोग हो गया है, और पिछले 2-2.5 साल से राहुल गांधी जी मोदी जी को बदनाम करने के लिए जो झूठ की राजनीति कर रहे हैं, उसका हिसाब इस बार अमेठी में मिलेगा। सामान्य प्रिडिक्शन वो बोल रहा था, अगर इस चीज़ को साइड पे रख रहे तो कांटे की फाइट होगी, लेकिन 49-51% पे राहुल गांधी विक्टोरियस हो जाते। लेकिन जो भी चौकीदार का नारा उन्होंने लगाया है प्रधानमंत्री पर, व्यक्तिगत रूप से जो वो बार बार कह रहे हैं कि वो ईमानदार नहीं है, देखिए हम देश मोदी माननीय मोदी जी को पिछले 4-4.5 साल से जानता होगा, लेकिन हम गुजरात से हैं, हमने उनका शासन इतने सालों से देखा है। उनका परिवार कोई दिखावे के लिए अभी सामान्य लाइफ नहीं जी रहा है, जैसे कुछ राजनीतिक दल के नेता अभी मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद जा रहे हैं, वो सामान्य ही जीवन जी रहे हैं पूरा परिवार। तो उनके ऊपर आप कितना भी 1000 बार बोलो या 1,00,000 बार बोलो, लेकिन उनकी ईमानदारी को आप खदेड़ नहीं सकते कितनी भी बार झूठ बोल के। तो वो सारी हरकतें जो उन्होंने की है, उनका हिसाब इस बार होगा। फाइट बहुत ही टफ होने वाली है, लेकिन इस बार स्मृति ईरानी राहुल गांधी को अमेठी में हरा दे, ये हमारा प्रेडिक्शन है। नेक टू नेक फाइट जाएगी, लेकिन फाइनल रिजल्ट के टाइम पर स्मृति ईरानी विक्टोरियस रहेंगी। और अभी भी अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर झूठे आरोप लगाने से नहीं बचे, तो वो अपनी अमेठी की सीट भी गंवा सकते हैं। 2019 की जो हमने भविष्यवाणी कर दी थी लोकसभा चुनाव की, बहुत से लोग वहाँ पे एग्री नहीं होते थे, यूट्यूब पे बहुत बाद में डाली। विधानसभा में जो भी रिजल्ट्स आए उसके पहले फेसबुक के लाइव प्रोग्राम में भी हम कई बार कह चुके थे, तब कई लोग मजाक भी उड़ाते थे कि इसको कुछ नहीं आता, लेकिन जाते जाते जब भी रिजल्ट आए, अब तो कुछ ही महीनों की बात है, तो आप देख लीजिएगा जो फिगर हम बता रहे हैं उसके आसपास ही वो अंक ठहरेगा। बीजेपी ही की गवर्नमेंट बनने वाली है, लेकिन अमेठी में राहुल गांधी अगर ये झूठ की राजनीति नहीं छोड़ेंगे तो स्मृति ईरानी से हार जाएंगे, ये हमारा फाइनल प्रेडिक्शन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों में शेयर करें। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया।